नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 10 जून 2024, समय 9:37 हो रहा है। देखिए, अभी तक मेरा कोई पोजीशन नहीं है, मैंने कोई ट्रेड लिया नहीं है, बस लेने की तैयारी कर रहा हूँ। सिर टेक्नोलॉजी फॉल किया है नीचे की साइड में, 49,880 देखिए तुरंत से फॉल आ गया है, तो मुझे लग रहा है मार्केट फॉल करने की कोशिश कर रहा है। इसने सपोर्ट लिया है, अपना पहला सपोर्ट से ही बाउंस किया, अच्छा है। चलिए, तो अब आप लोगों को कॉल देने का समय आ गया, तो हटा दीजिए इसको, हटा दीजिए, और 49,800 का पुट को नजर रखिए। अरे वाह, ये क्या कर रहा है भाई, 49,800 का पुट का मामला तो ठीक लग रहा है, 530 है ना, 530 बाय बैंक निफ्टी 49,800 का पी ए भव 530 ऐसा 580 और 630 ठीक है, इसके ऊपर निकलेगा तो इसके ऊपर जाएगा, तभी उसके पहले नहीं लेना है। चलिए चलिए देखते हैं दोस्तों, सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है सीएल टेक भी, यहाँ से गिरा है, खराब ही है अभी, ये डिसीजन लेने नहीं दे रहा है। अडानी पोर्ट अडानी पोर्ट का ये तो ऊपर ही ट्रेड हो रहा है, कॉल पाल नीचे गया, इसका सपोर्ट एरिया बन जाएगा। और HAL का 4,300 का समय दोस्तों हो गया है 10:07, लेकिन थोड़ा विलंब तो हुआ हूँ,
अडानी इंटरप्राइजेस, देखिए सपोर्ट एरिया RSI 50 का इसका देखिए, अगर लास्ट फ्राइडे देख रहे हैं तो आप लास्ट फ्राइडे को देख रहे होंगे आप, तो ये जो है 7 तारीख को बिल्कुल इसी RSI 50 पर ये होल्ड कर रहा था बार बार, है ना, और आज उसी RSI 50 के ऊपर भागा। ऊपर भागने के बाद जो है करेक्शन किया मार्केट के साथ में, और उसके साथ ही थोड़ा सा नीचे आ गया। तो RSI 50 के ऊपर रहेगा तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो RSI 50 के आसपास आया है, तो इसमें मन कर रहा है मेरा पोजीशन लेने का कॉल साइड में 3500 का। ले लिया अडानी मोबाइल से, अडानी इंटरप्राइजेस 3500 का सी। और है तो ये पॉजिटिव ही, मार्केट भी थोड़ा देखिए वापस पॉजिटिव हो गया, यानी कि आज मार्केट प्रीमियम खाने के चक्कर में है दोनों साइड। ये भी RSI 50 के ऊपर क्रॉस कर रहा है तो ऊपर जा रहा है, तो जो पुट ऑप्शन दिया उसका लेवल नहीं आया, जहाँ 530 के ऊपर दिया था, है ना, 530 के ऊपर ही दिया है ना पुट, देखिए बैंक निफ्टी 530 नहीं आया, उसका लेवल 550 का हाई लगाया, चलिए 557-40 का हाई लगाया था। और उम्मीद है आप लोगों ने कुछ प्रॉफिट तो जरूर बुक किया होगा, बाकी कॉल ऑप्शन पर 50,000 का कॉल ऑप्शन, उस पर ध्यान रखिए, इसने हाई लगा दिया आपका 557 का, है ना, 49,800 का पी जो है हाई 557 का लगाया। आज मार्केट प्रीमियम खाने के मूड में जिंदा है, और इसी हिसाब से ये है 50,000 का सी। 50,000 का जो सी है वो 475 के ऊपर, बहुत ऊपर है उसका भाव। ये देखिए मैंने अडानी इंटरप्राइज का लिया है कॉल ऑप्शन 3500 का, देखिए 435 हो गया प्रॉफिट। खैर ठीक है, वो RSI 50 वाली स्ट्रेटेजी से ही यूज कर रहा हूँ, काफी देर खोजने के बाद एक स्टॉक मिला तो मुझे थोड़ा सा उस पर मन किया कि वो RSI 50 के आसपास आ भी गया। चलिए चार्ट को समझाता हूँ इस बात को, देखिए ये है अडानी इंटरप्राइजेस, कहाँ गया ये कहाँ भाग गया, अडानी इंटरप्राइजेस ये था ना, देखिए 50 के ऊपर गया। अब मुझे 50 के ऊपर ही लेना है, लेकिन 50 के अगर बहुत ऊपर ले लूंगा तो लॉस हो सकता है, क्योंकि प्राइस महंगा मिलेगा। 50 के आसपास आने के बाद पोजीशन मैंने बनाया और मुझे एक छोटा सा प्रॉफिट हुआ है, देखिए माइनस में आ गया, ठीक है। तो ये अभी जब तक 50 के ऊपर है ये पॉजिटिव ही रहेगा, और अभी देखते हैं कि क्या चलता है इसमें। HAL वापस 4800 के लेवल को ब्रेक करता हुआ, और मुझे इसमें 15 का लॉस, चलिए कोई बात नहीं। अडानी इंटरप्राइजेस 50 के आसपास RSI जैसे आया तो एक पोजिशन मैंने बना लिया, हाई इसने 3261 का लगाया, वो सब एक छोटे दायरे में ट्रेड कर रहा है दोस्तों, एक हाई और एक लो का रेंज बना लिया है और साइडवेज होके ही ट्रेड कर रहा है ना, चूंकि साइडवेज। अच्छा इंस्टा ऑप्शन में देखें क्या दिखा रहा है, साइडवेज होके ट्रेड कर रहा है ना, तो ये तो दिक्कत है, साइडवेज का मामला चल रहा है। सौ 3500 को ब्रेक कर जाए तो 60 का लॉस है, चलिए ठीक है, अभी वेट करते हैं आ जाएगा प्रॉफिट में। अब 30 का लॉस बचा, ये 61-62, अब 360 का प्रॉफिट हो गया। तो 5 मिनट के चार्ट पे कन्वर्ट करते हैं, तो माइनस भी हो गया, देख कितना वोलेटाइल है मार्केट, बहुत ज्यादा वोलेटाइल है। आजा भाई,
प्रीमियम खाने को मूड में है दादा। एशियन पेंट, ये देखिए 50 को क्रॉस कर रहा है एशियन पेंट, ये थोड़ा सा ताकतवर दिख रहा है एशियन पेंट। और ये देखिए 585 का लॉस हो गया, 630 हो गया, हो ये थोड़ा ताकतवर दिखा रहा है एशियन पेंट, ऊपर से नीचे आया और क्रॉस ओवर कर रहा है 50 को। मार्केट का डायरेक्शन क्लियर नहीं है, वो करना क्या चाहता है। करना क्या चाहता है, डायरेक्शन उसका जरा सा भी क्लियर नहीं। रहे क्या चार्ट का इशू हो रहा है क्या? थोड़ा चार्ट का इशू हो रहा है लग रहा है। क्या है अडानी इंटरप्राइजेस, अडानी इंटरप्राइजेस क्यों भाई, क्यों नहीं खुल रहे? तीन सौ का लॉस, 360, 600, बहुत वोलेटाइल है भाई। वेट करा रहा है, तोड़ देगा ये 50 को तो सेलिंग में चला जाएगा, है कि नहीं? इसका ऑप्शन भी नहीं खुल रहा है, ये क्या दिक्कत है? इसका भी चार्ट यहाँ खुला, इधर खुला,
जब तक ये 50 के नीचे नहीं आएगा ना, तो इसे दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा वेट कर लेते हैं अभी, है कि नहीं। आज पूरा प्रीमियम ईटिंग हो रहा है दोस्तों, पूरा। देखिए बैंक निफ्टी में भी चाहे बात कर लें, चाहे निफ्टी में भी, ये एक दायरा बना लिया है ना, इस दायरे में ही वो ऊपर और नीचे कर रहा है। यानी शुरुआत के जो 15-20 मिनट ऊपर और नीचे का मूवमेंट है, पहले ऊपर गया और फिर 15 ही मिनट में नीचे आ गया, तो यहाँ पर काम हो गया। उसके बाद इस एरिया पे बिल्कुल साइडवेज है। इसी हिसाब से आप देखिए, जैसे अडानी इंटरप्राइजेस भी मैंने लिया हुआ है, तो आप देख रहे हैं कि ये ना ऊपर जा रहा है और ना नीचे जा रहा है, मतलब एक ही दायरे में, ये इस वाले दायरे में फंस गया, छोटा सा 40 और 64, 14 पॉइंट के दायरे में फंस गया। इस चक्कर में क्या है कि हमारा अभी 300 का लॉस हो रहा है। अभी एक समय प्रॉफिट में थे, आप लोग देखा आप लोगों ने, और अभी लॉस में आ गए 570। तो भी जब तक ये RSI 50 के ऊपर है, मैं बाय साइड बना रहूंगा, और अगर RSI 50 के नीचे निकलता है तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा, और होगा तो पुट ऑप्शन बना लूंगा, है ना, सेल साइड चला जाऊंगा। तो वेट कर लेते हैं अभी थोड़ा। तो देखिए एक ही दायरे में चल रहा है। भाई मैं देख भी रहा था कि क्या यहाँ पर एडवांस डिक्लाइन का रेशियो है, तो दिख रहा है कि रेशियो तो बाय साइड सही है, लेकिन उस ढंग का नहीं, क्योंकि वो शुरुआत में ही मूवमेंट आ गया 10-15 मिनट में, और उसके बाद वो शांत हो गया, है ना। उसके बाद कहीं कोई मूवमेंट नहीं है, सब एक दायरे में प्रीमियम खाने की कोशिश कर रहा है। देख रहे कितना साइडवेज शानदार तरीके से है। बहुत ही क्रुशियल जोन पर है। एशियन पेंट का भी मूव आया फिर खत्म, कुछ खास नहीं। ये भी देख रहे बैंक निफ्टी तुरंत 900 को ब्रेक करता है, फिर 800 के पास में आ जाता है। तो इस जगह पे ट्रेड लेना भी रिस्की जोन है। क्यों? क्योंकि अभी वो साइडवेज जोन में चला गया है, ड्राई पीरियड में चला गया है। अब ड्राई पीरियड में चला गया तो खराब हो गया थोड़ा, ना। अडानी इंटरप्राइजेस देखिए, एकदम यहाँ पे पेशेंस का टेस्ट ले रहा है और कुछ भी नहीं है। मैं उतना इंतजार के मूड में हूं नहीं, तो मैं यहाँ से एग्जिट कर जाऊंगा, मैं यहाँ से एग्जिट कर जाऊंगा, मैं कर गया एग्जिट, लीजिए मैं निकल गया। ये दिमाग उतना लगाना नहीं है, 500 का लॉस लेके एक SCL टेक मैं देख रहा हूँ कि वो गिरा तो गिरा ठीक है, और गिरने के बाद ये थोड़ा सा रुकने की भी कोशिश कर रहा है। 1410 SCL टेक ने ले रहा है, 1410 करने होगा तो 1420 होगा, 1420 है का SCL टेक, 1420 का। देखिए एक तो 10 भी होना चाहिए। यहाँ पे मैंने कॉल ऑप्शन उठाया SCL टेक में, ये नीचे से काफी खराब हुआ और बिल्कुल 1400 के पास से बाउंस कर रहा है। SCL टेक 1410 का नहीं होगा, 1400 का होगा, सही। चलिए तो अब मैं SCL टेक में इसमें पोजीशन शिफ्ट कर गया हूँ, और इसमें दो लॉट ले लिया, 700 क्वांटिटी, 350, 350 का लॉट होता है, तो दो लॉट उठाया है, ठीक है। मुझे लग रहा है SCL टेक थोड़ा रिकवरी दिखाए, और अगर ये 1420 तक चला जाए या RSI 50 को ऊपर ब्रेक कर दे तो मूवमेंट बनेगा। फिलहाल अभी ये सिचुएशन है, तो अभी वेट एंड वॉच करते हैं इसमें। ये लास्ट ट्रेड है मेरा, ठीक है।
अडानी पोर्ट में 550 का लॉस हो गया है। समय दोस्तों 11:10 हुआ है और 12 सेकेंड। अब देखिए एससीएल टेक जो है धीरे धीरे मजबूत होता हुआ ऊपर जा रहा है। अभी भी ये आरएसआई 50 को ब्रेक नहीं किया है, अगर ये ब्रेक कर जाता है तो एक अच्छा प्रॉफिट और बनेगा मुझे। मैंने थोड़ा सा रिस्क पहले ले लिया इसमें और मुझे लग रहा है ये आरएसआई 50 को ब्रेक कर जाएगा टीएमजी को और ये ऊपर 1420 तक जा सकता है। मेरा पोजीशन यहाँ 840 रुपये का हुआ, यानी कि 550 माइनस कर दीजिए तो 300 रुपये का फिर भी अपना जेब में रहेगा। अभी वेट करेंगे इसको, अभी हमारा आरएसआई 50 ब्रेक हुआ नहीं। ब्रेक होने के बाद ये आरएसआई 70 तक भी चला जाएगा और ये 1420 तक जा सकता है। मार्केट देखिए एक दायरे में ही ट्रेड कर रहा है, छोटा सा दायरा बना लिया है, इसीलिए मैंने आप लोगों को कहा ये कहीं जा नहीं रहा है। अब एक उसी जो प्रीवियस बक्सा है उसी बक्से में ये घुस गया और इसके लिए यही दिक्कत वाली बात हो गई है ना। तो वेट कर लेते हैं, अभी आरएसआई वाला स्ट्रेटेजी इस पर अप्लाई हो जाएगा। अगर 50 के ऊपर निकल जाएगा तो और मैं टिका रहूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी 910 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, तो वेट एंड वॉच करते हैं। समय हो गया दोस्तों 11:16 और 52 सेकंड। देखिए किस तरह से आरएसआई 50 को ब्रेक किया और ऊपर की तरफ भागा है ना। आरएसआई 50 को ब्रेक करने के साथ तेजी आ गया तो मेरा पोजीशन यहाँ 1960 रुपये का बन गया। देखा आपने, तो कॉन्फिडेंस था इसलिए एक लॉट और बढ़ा दिया था, 2100 का हो गया। और भी चलेगा, अभी तो और चलेगा, 1420 तक आ जाएगा। देखिए ये ऊपर भाग रहा है, 1420 का ही मेरा स्ट्राइक प्राइस है कॉल ऑप्शन का। तो अब चाहूँ तो अब मैं यहाँ से एक लॉट बुक कर लेता हूँ है ना, और एक लॉट को छोड़ देता हूँ और उसके बाद जो है एंजॉय करते रहेंगे। एक लॉट को पहले मैं बुक कर लूँ, एक लॉट को 350 क्वांटिटी होता है एक लॉट का। क्या हो, रिजेक्टेड क्यों कर दिया, 2310 ठीक है, 2900 रुपया पे एक ही लॉट बेचना है ना, एक लॉट बेचना है 29 रुपया पे, 350 का 350 और ये लगा दिया। ऑर्डर रिजेक्टेड क्यों कर रहा है, अच्छा मोबाइल से करके देखता हूँ। मेरा मोबाइल यहाँ पे है, 29:10 हो गया है। चल भाई चेक करता हूँ, 29:15 हो गया, स्क्वायर ऑफ एक लॉट 29 रुपया, 29 रुपया पे लगा दिया। हाँ ऑर्डर कंफर्म दोस्तों, एक लॉट निकल गया यहाँ से। अब 350 बचा, मोबाइल से हो गया, इससे नहीं हो रहा था, सिस्टम से पता नहीं। चलिए अब एक लॉट बचा और ये देखिए आरएसआई 50 के ऊपर जैसे ही मूवमेंट मैंने चढ़ा, यहाँ पे भी एंट्री बनती है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैंने एक टारगेट यहाँ पे बुक कर लिया क्योंकि मैंने नीचे से लिया हुआ था और एक लॉस भी था उसको भी कवर कर लिया मैंने, ठीक है। तो चलिए ये बात हो गया हमारा, आराम से बन गया काम, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी ये चलेगा 1420 तक चलेगा और ये धीरे धीरे 70 तक जाएगा, आरएसआई 70 तक जाएगा। यहाँ पे मैं फाइनल प्रॉफिट बुक कर लूंगा और ये 1420 है मेरा कॉल ऑप्शन। और अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा छोटा कर लूँ, मतलब बढ़ा दूँ आगे, तो ये देख रहा हूँ इस तरह से आगे, तो ये आएगा यहाँ पे 1440 के आसपास में, यानी इसको रजिस्टेंस लेगा ये 1435 से 40 के आसपास में ये रजिस्टेंस ले सकता है। तो फिलहाल वेट एंड वॉच करेंगे, एक लॉट बुक हो गया है, अब टेंशन वाली कोई बात नहीं, ठीक है ना। चलिए बंद कर दूँ क्या सिस्टम, आज बंद ही कर देता हूँ क्या। आज ऐसे साइडवेज हो गया मार्केट ना, पूरा का पूरा साइडवेज होके बैठा हुआ है। ठीक है 1414 फिर 1155, एक ही रेंज में मार्केट 900 के, तो एक छोटा सा डब्बा बना लिया उसी में घूम रहा है। तो चलिए ठीक है अब बंद कर देता हूँ। अपना आरएसआई 50 दिख रहा है ना, आरएसआई 50 के ऊपर जाने में मूवमेंट आया ना, ये आप समझिए। चलिए आरएसआई 50 फिर से दिखाता हूँ, 1150 के ऊपर जाने पर कितनी तेजी आई, सीधे 1410 से 1415 आ गया, ये 1420 भी चला जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों 11:26:12 हो गए थे, देखिए कैसे आरएसआई 50 के ऊपर आने पर मूवमेंट आया, देखा आपने है ना। यही मैं कह रहा हूँ आप लोगों को कि आप बिल्कुल पोजिशन में बिलीव करिए, मतलब अपना स्ट्रेटेजी पे बिलीव करिए। 1970 एक लॉट का प्रॉफिट बुक्ड है ऑलरेडी 1200 रुपये और एक लॉट में चल रहा है 1900 रुपये। तो अपना काम हो गया आज का, फिनिश कंप्लीट हो गया। और ये देखिए 1420 का इसने हाई लगा, तो ये वाला जो रेजिस्टेंस एरिया है वो भी यहाँ पे इसको क्लेम कर रहा है। धीरे धीरे ये आरएसआई यहाँ पे थोड़ा सा रुक सकता है और अगर 70 के पास जाएगा तो एक अच्छा प्रॉफिट बन सकता है। मेरा काम ऑलरेडी हो चुका है,
मुझे इसमें कहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं, कहीं कोई डर वाली बात नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये प्रॉफिट बुक है ना, टेंशन क्या लेना है। बैंक निफ्टी में भी कोई खास मोमेंट तो नहीं आया, अडानी पोर्ट यहीं घूमता रह गया, सब एक ही रेंज में फंस गया। देख रहे हैं, सारा एक ही रेंज में फंसा हुआ, सारा स्टॉक एक ही रेंज में फंस गया, तो ये तो दिक्कत है थोड़ा। खैर कोई दिक्कत नहीं, अपना काम हो गया, आपको तो अपना क्या चाहिए। चौदह सौ 1995 का हाई लगा है। ठीक है दोस्तों, तो RSI 50 स्ट्रैटेजी आज भी सक्सेसफुल हो गया, ठीक है ना। चलो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अब कैसे कहेंगे सक्सेस हुआ, 50 के ऊपर निकला तो देखिए 50 का ये है कैंडल 1411, और वहां से 1420 आया तो 9 पॉइंट आ गया ना, तो बना कि नहीं बना, है ना। हाँ, हमने चूंकि इस पर बहुत ट्रेड किया हुआ है, तो मुझे यहाँ से दिख भी रहा था सिनेरियो की, और मुझे चार्ट भी इसका पता है कि ये सपोर्ट से वापस बाउंस भी कर रहा है, तो मैंने एंट्री थोड़ा पहले कर लिया है कि नहीं, थोड़ा पहले मार लिया एंट्री, तो उसमें क्या दिक्कत है। वो तो आपको अपना समय के साथ एनालिसिस आ जाता है। अगर इसके ऊपर टिक गया तो ये और हो सकता है 1440, ये वाला जो एरिया है यहाँ तक आ जाएगा, 1435 1440 तक का फिर लेवल दिखाने का कोशिश कर सकता है, इसके ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करेगा। तो आप देख ही रहे मूवमेंट, ये लीजिए 2000 चढ़ गया ऊपर वापस, है ना। तो ऐसे होता है, यही है कमाल RSI स्ट्रेटजी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलूंगा शाम में नेक्स्ट वीडियो।